अब आगे चलते हैं इनफ्लोरिसेंस में। इनफ्लोरिसेंस कैसा होता है वो और देख लेते हैं। देखिए कैसा होता है इनफ्लोरिसेंस। आप देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो इसमें देखिए कैपिटुलम हेड होता है, ठीक है। क्या होता है कैपिटुलम हेड? कैपिटुलम हेड को हिंदी में क्या कहते हैं? मुंडक प्रकार का होता है। ये एसिमाक्स के कणिस भाग से वितपित हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए ये जो मुंडक है वो सहपत्रों के एक या अधिक चक्रों से घिरा रहता है और सहपत्रों का चक्र क्या कहलाता है? इन्वोलुकर कहलाता है, ठीक है, इन्वोलुकर कहलाता है। तो देखिए कैसा होता है इसमें, ये पुष्पक्रम होता है इसमें, ठीक है। इस प्रकार से ऊपर की ओर एवरंत पुष्प पाए जाते हैं। इस प्रकार से देखिए ये जो है सारे क्या है? पुष्प है, ठीक है। इसे कहते हैं कैपिटुलम प्रकार का पुष्पक्रम और ये इसके सहपत्र होते हैं। इस प्रकार से नीचे क्या लगे रहते हैं? इसके सहपत्र होते हैं, ठीक है। तो ये हेड होता है, इसको हम कहते हैं कैपिटुलम हेड या कैपिटेट है, कैपिटुलम लिख देते हैं वैसे तो। ये फ्लोवर है। अब जो फ्लोवर है वो दो प्रकार के होते हैं, सेंट्रल फ्लोवर और ये परिधि वाले फ्लोवर, ठीक है। दो प्रकार के इसमें क्या पाए जाते हैं? फ्लोवर पाए जाते हैं। अब ये जो चक्र है सहपत्रों का, इसको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहते हैं इन्वोलुकर, ठीक है, सहपत्र चक्र, या इसको हम नी चक्र कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? नी चक्र कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कैपिटुलम हेड पुष्पक्रम पाया जाता है किसमें। अब देखिए इसकी आकृतियां अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। कैपिटुलम हेड की आकृतियां अलग अलग हो सकती हैं। जैसे ये ट्यूबुलर होता है, ठीक है। तो ट्यूबुलर किसमें होता है? ये ट्यूबुलर मिकेनिया में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मिकेनिया में, ठीक है। ये मिकेनिया में क्या होता है? ट्यूबुलर होता है। कैपिटेट जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये इसी प्रकार का कहाँ पाया जाता है? हेलियंथस में पाया जाता है, ठीक है। जेंथियम में भी पाया जाता है, जेंथियम, ठीक है। इनमें ये इसी प्रकार का कैपिटेट हेड होता है। कागज नुमा भी होता है, ठीक है, पेपर लाइक। जैसे हेलीक्राइसम में क्या होता है? ये कागज जैसा होता है, ठीक है, कागज रूपी होता है। नी चक्र कुछ में अनुपस्थित भी होते हैं, ठीक है। इन्वोलुकर एब्सेंट भी होते हैं, ठीक है। जैसे वर्नोनिया में एब्सेंट होते हैं। किसमें होते हैं? वर्नोनिया में एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा विलकेशिया में भी एब्सेंट होते हैं, विलकेशिया में भी एब्सेंट होते हैं। यानी कि कैपिटेट हेड तो होता है परंतु इन्वोलुकर यानी ये नीचे वाला जो नीचक्र वाला जो भाग है वो नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा जननछम और अजननछम सहपत्र भी पाए जाते हैं। देखिए जननछम और अजननछम का मतलब ये है कि जो बाहर वाले सहपत्र हैं यानी कि ये वाले जो सहपत्र हैं यहाँ पर, ये तो अंदर वाले हो गए नीचे की तरफ जो है, ये बाहर वाले सहपत्रों की कक्षा में भी पुष्प होते हैं। इस तरह से इनकी कक्षा में अगर जब पुष्प पाए जाएं तो ये कहलाते हैं जननछम, ठीक है, जननछम नीचक्र या सहपत्र कहलाते हैं, ठीक है। ये जननछम कब होते हैं? जब यहाँ पर इनकी कक्षा में भी पुष्प उत्पन्न होता हो यानी बाहरी सहपत्रों के अक्षों में भी पुष्प होते हैं तो ये जननछम कहलाते हैं, ठीक है। और जो जननछम सहपत्र हैं वो स्केल और कागजी यानी स्केली होते हैं। ये कैसे होते हैं? स्केली और या फिर पेपर लाइक होते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? इनको पैली कहते हैं। पैली क्या है? इस नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाइवा में कि पैली जो है वो कौन से पुष्प में पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? पेली पाया जाता है कहाँ पर? सूरजमुखी कुल में यानी कि कंपोजिटी कुल में। कुछ पादपों में क्या होगा कि इस तरह से कैपिटेट हेड में इसके दोनों तरफ या इसके चारों तरफ जो सहपत्रों का चक्र होता है
तो उस चक्र में सबसे बाहरी सहपत्तर जो कि ठीक इस कैपिटेट हेड के शीर्ष भाग के नीचे की तरफ होते हैं ये वाले, तो इनके अक्ष में भी पुष्प उत्पन्न हो सकते हैं। तो ऐसे सहपत्र जननक्षम सहपत्र कहलाते हैं और ये स्केली होते हैं, ठीक है। और इनको ही क्या कहा जाता है, पैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैली कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके अंदर पुष्पक्रम कौन से प्रकार का हो जाता है, कैपिटेट हेड या कैपिटुलम हेड, मुंडक प्रकार का, हिंदी में क्या कहते हैं, मुंडक प्रकार का पुष्पक्रम इसको कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो मुंडक प्रकार का पुष्पक्रम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनफ्लोरिसेंस है एग्जाम के लिहाज से, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और कंपटीशन लेवल के विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अंदर कैपिटेट हेड कौन से कुल में पाया जाता है, तो आपको बताना है कंपोजिटी कुल में, यानी कंपोजिटी के अधिकतर पादपों में कैपिटेट हेड ही होता है। आगे देखते हैं, देखिए पैली जो है वो एब्सेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया वर्णोनिया में, तो ये भी आपको याद रखना है। पुष्पासन कई आकृतियों के हो सकते हैं, जो पुष्प का आसन होता है, क्या होता है पुष्प का आसन, ये पुष्प का आसन होता है, ये वाला जो हिस्सा है ये पुष्प का आसन होता है, ये पेडिसेल होता है। तो ये पुष्प का आसन कई आकृतियों का भी होता है, ठीक है। जैसे कॉनिकल टाइप, कॉनिकल यानी शंकुआकार जो पुष्पासन है वो शंकुआकार भी हो सकता है। शंकुआकार किसमें होता है, देखिए ये जो आकृति है ये आप जो सामने देख रहे हैं वो एक तरह से शंकुआकार ही है। तो इस प्रकार की जो शंकुआकार आकृति है वो पाई जाती है रुडबेकिया में। किसमें पाई जाती है, रुडबेकिया में, ठीक है। रुडबेकिया में ये कॉनिकल टाइप होता है, चपटा भी पाया जाता है, चपटा इस तरह से चपटा हो जाएगा, ये कॉनिकल टाइप ना होकर के चपटा ही होता है, इस तरह से सीधा चपटा, ठीक है। तो जो चपटा है वो किसमें होता है, चपटा पाया जाता है हेलियंथस में, हेलियंथस में, ठीक है। हेलियंथस में क्या पाया जाता है, चपटा पाया जाता है। राउंड शेप्ड भी होता है, ठीक है, यानी कि गोलाकार भी हो सकता है, या कोकस टाइप जिसे हम कहते हैं ये पाया जाता है सप्लियंथस में, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, ये गहरा अवतल भी होता है। इसके अलावा सॉलिड थेलेमस भी होता है, सॉलिड यानी सख्त होता है, ठीक है। तो सख्त किसमें पाया जाता है, जैसे मैट्रिक एरिया में सख्त पाया जाता है, ठीक है। मैट्रिक एरिया में ये कैसा होता है, सख्त होता है। स्पॉन्जी भी होता है, इसमें देखिए चपटा भी होता है और साथ ही साथ स्पॉन्जी भी होता है। हेलियंथस में कैसा होता है, ये स्पॉन्जी होता है। फ्लैसी, फ्लैसी का मतलब होता है मासल, तो मासल भी होता है, जैसे साइनेरा में क्या होता है, ये मासल होता है, ठीक है। इसी तरह से होलो, होलो माने खोखला, तो होला, होलो जो है वो होता है टैजिटिस में। आपने जो गेंदे का पुष्प है उसको लेकर के जब आप ऊपर से उसकी सारी जो पत्तियां हैं, जो उसकी पेटल हैं, जो कि कैसी रंग की होती हैं, पीले कलर की होती हैं, उनको जब आप एक साथ इस तरह से निकाल दोगे तो आपको जब नीचे का भाग देखोगे तो उसमें आपको एक हेड दिखाई देगा, ठीक है। जब पत्तियां, जो ऊपर का जो पेटल है वो सारा निकल जाएगा तो नीचे की तरफ आपको हेड दिखाई देगा। उस हेड को भी जब आप निकाल दोगे तो जो थेलेमस है वो अंदर से खोखला नजर आएगा आपको। तो इस प्रकार से इसके अंदर आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष टैजिटिस, यानी कि गेंदे के पुष्प में आप इसको अच्छी तरह से देख भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरेट इन द कैपिटुला। अब देखिए अगला जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसी में, वो है टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरेट इन कैपिटेट हेड। अब देखिए फ्लोरेट का मतलब क्या है, फ्लोरेट का मतलब होता है कि इसमें देखिए पुष्पक, इनको हम क्या कहते हैं, पुष्पक कहते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि जो है, जो कंपोजिटी कुल है उसमें दो प्रकार के पुष्पक पाए जाते हैं, एक तो रे फ्लोरेट होता है, ठीक है, और एक होता है डिस्क फ्लोरेट। दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, सीधी सी बात ये है,
जिनको हम पुष्पक कहते हैं। एक तो होता है रे फ्लोरेट और दूसरा होता है डिस्क फ्लोरेट। तो जो सेंटर वाला पार्ट है इस कैपिटुलम हेड का, यहाँ पर ये वाले तो होते हैं डिस्क फ्लोरेट, ठीक है, और जो ये किनारे वाले हैं परिधि वाले, इनको कहते हैं रे फ्लोरेट, ठीक है। इस प्रकार से इस कैपिटुलम हेड पर दोनों प्रकार के पुष्प जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए मुंडकों में पुष्पों की व्यवस्था और प्रकार किस तरह के होते हैं। तो देखिए कोरोला के प्रकार के अनुसार कंपोजिटी में पुष्पक 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन कोरोला की पोजीशन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वैसे तो
मुंडक में दो प्रकार के पुष्प होते हैं, रे फ्लोरेट और इन जो डिस्क फ्लोरेट, दो प्रकार के मैंने आपको बताए हैं। तो कोरोला, टाइप्स ऑफ कोरोला, फ्लोरेट, टाइप्स ऑफ फ्लोरेट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कोरोला, कोरोला के प्रकार के आधार पर तीन प्रकार के इसमें क्या पाए जाते हैं, पुष्पक पाए जाते हैं। पहला कौन सा है? पहला तो होता है रेगुलर टाइप, ठीक है, पहला कौन सा है? रेगुलर टाइप। तो इसमें क्या होता है, कोरोला रेगुलर होता है और इनफंडिबुलम होता है, ठीक है। कोरोला कैसा होता है? रेगुलर यानी नियमित होता है एंड इनफंडिबुलम होता है, ठीक है, यानी कैसा होता है? कीपाकार होता है। कीप जैसी संरचना में क्या पाया जाता है? कोरोला कीप जैसी संरचना में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है लिग्युलेट। लिग्युलेट को जीवाकार कहते हैं, जीव जैसी संरचना वाला होता है, ठीक है। तो ऐसे पुष्पकों में दलपुंज कैसा होता है? लिग्युलेट होता है, लिग्युलेट जीवाकार। कोरोला कैसा होता है? लिग्युलेट होता है, ठीक है, लिग्युलेट यानी जीवाकार होता है। और इसमें नलिका वाला भाग छोटा होता है, पांचों दल संयुक्त होकर एक स्ट्रिप बना लेते हैं, यानी जो पांचों दल है वो मिलकर के एक स्ट्रिप बना लेते हैं, और स्ट्रिप पर जो ऊपर की ओर शीर्ष भाग है इसका, वो पंच या त्रिदंती होता है, ठीक है। तीसरा है बाइलेबिएट। बाइलेबिएट का मतलब होता है द्विओष्टि, दो दलपुंज जो है वो द्विओष्टि होता है, ठीक है। दलपुंज कैसा होगा? कोरोला बाइलेबिएट होता है, ठीक है, क्लियर। तो दोनों लोब में से जो ऊपर वाला लोब है या ऊपर वाला ओष्ठ है वो द्विदंती होगा, जबकि निचला त्रिदंती होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे, ये तो हो गए इसमें फ्लोरेट के टाइप। अब आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ कैपिटुल, कैपिटुलम, मुंडकों के प्रकार कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ कैपिटुलम, मुंडकों के प्रकार, तो देखिए टाइप्स ऑफ कैपिटुलम में पहला आता है, देखिए एक मुंडक में उपस्थित पुष्पक बाईसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल और न्यूटर हो सकते हैं, यानी कि एकलिंगी भी हो सकते हैं, द्विलिंगी भी हो सकते हैं और त्रिलिंगी भी, न्यूटर भी हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ कैपिटुलम में जो है दो प्रकार के होते हैं, ये होमोजीनस और हेटेरोजीनस, ठीक है, होमोजीनस और हेटेरोजीनस। होमोजीनस का मतलब होता है समपुष्पी, इसको हम क्या कहेंगे? समपुष्पी, ठीक है, और इसको हम कहते हैं विषम पुष्पी, ठीक है। तो समपुष्पी और विषम पुष्पी दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जब मुंडक के सभी पुष्पक एक ही तरह के हों, ठीक है, जब एक ही तरह के पुष्पक हों तो वो कहलाते हैं होमोजीनस। जैसे इसमें एग्जाम्पल हम दे सकते हैं वर्नोनिया, एजिरेटम, सोंकस, ठीक है, वर्नोनिया,
एजिरेटम और सोंकस, ये तो होते हैं होमोजीनस, यानी कि एक ही प्रकार के या समान प्रकृति के इसमें क्या पाए जाते हैं, पुष्प पाए जाते हैं। और दूसरा जो है वो है हेटेरोजीनस, जिन्हें हम कहते हैं विषम पुष्पी। यानी विषम पुष्पक में देखिए दो प्रकार के पुष्प होते हैं कि विद डिस्क एंड रे फ्लोरेट, ठीक है, यानी दो प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल इसमें देखिए जैसे है हेलियंथस एनस, जो सूरजमुखी होता है उसमें दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, पहला डिस्क दूसरा रे फ्लोरेट, ठीक है। अब देखिए मुंडकों में, अब विषम पुष्पी तो है लेकिन मुंडकों में पुष्प विषम पुष्पकों की व्यवस्था का प्रकार क्या है ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। विषम पुष्पी पुष्पकों का जो प्रकार है वो किस प्रकार का होता है, तो मुंडकों में जो विषम पुष्पक हैं उनकी व्यवस्था का प्रकार, उनके बारे में और जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ हेटेरोजीनस फ्लोरेट, ठीक है, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। पहला आता है इसमें एस्टर टाइप, पहला कौन सा आता है, एस्टर टाइप। इसमें देखिए दो होते हैं रे और दूसरा होता है डिस्क, पहला रे दूसरा डिस्क। तो जो पहला रे वाला है उसको रश्मि पुष्पक कहते हैं, ये पिस्टिलेट होता है और लिग्यूलेट कोरोला होता है, ठीक है, पिस्टिलेट और लिग्यूलेट कोरोला, क्लियर। दूसरा जो है वो बाइसेक्सुअल होता है, डिस्क फ्लोरेट, ट्यूबुलर और रेगुलर होता है, ये बाइसेक्सुअल होता है और इसमें क्या होता है, ट्यूबुलर कोरोला होता है, ट्यूबुलर कोरोला, इसमें लिग्यूलेट कोरोला होता है, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा एस्टर टाइप के बाद आता है इसमें वो है डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट ही है, जो साइथोक्लाइन है, नंबर टू जो है वो है साइथोक्लाइन, ठीक है। तो इसमें पहला है रे और दूसरा है डिस्क, इसमें क्या व्यवस्था होती है साइथोक्लाइन टाइप में, तो इसमें देखिए डिस्क फ्लोरेट जो है वो कैसा होता है, स्टेमिनोस होता है, यानी पुंकेसरी होता है और रेगुलर करोला होता है, ठीक है, स्टेमिनल नोड या स्टेमिनस और रेगुलर, ठीक है। दूसरा जो है वो पिस्टिलेट रेगुलर ट्यूबुलर कोरोला होता है, ये पिस्टिलेट और रेगुलर होता है, ठीक है। तीसरा जो है, तीसरा इसमें कौन सा आता है, हेलियंथस टाइप आता है, हेलियंथस टाइप। इसमें कैसे होते हैं, रे और फ्लोरेट दो डिस्क फ्लोरेट दोनों किस किस प्रकार के होते हैं, तो रे फ्लोरेट इसमें कैसा है, इसमें बाइसेक्सुअल होता है, डिस्क फ्लोरेट तो मोस्टली न्यूटर होते हैं, रे फ्लोरेट लिग्यूलेट कोरोला होता है, ठीक है, ये कैसे होते हैं, न्यूटर और लिग्यूलेट, नहीं नहीं ऊपर वाला होता है, लिग्यूलेट और न्यूटर होते हैं, ठीक है। और ये बाइसेक्सुअल होता है, कौन सा, डिस्क फ्लोरेट कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है और जो कोरोला है इसमें ट्यूबुलर होता है, ठीक है, ट्यूबुलर। जब हम आगे हेलियंथस को ही पढ़ने वाले हैं स्कूल में तब हमें और भी समझ में आ जाएगा। नंबर चार कौन सा है, वो है नंबर चार है सेंटुरिया, सेंटुरिया टाइप, ठीक है। इसमें कैसा होता है, सेंटुरिया टाइप में देखिए डिस्क फ्लोरेट जो है वो बाइसेक्सुअल होता है, यानी द्विलिंगी होता है, ठीक है, इसके अलावा रेगुलर होता है और इनफंडिबुलम कोरोला होता है, इनफंडिबुलम बुलीफॉरम कह सकते हैं, ये इनफंडिबुलीफॉरम का मतलब होता है कीपाकार, ठीक है, कीपाकार कोरोला होता है। और रे फ्लोरेट कैसा होता है, रे फ्लोरेट इनके अंदर पाया जाता है, वो भी इनफंडिबुलम होता है और न्यूटर होता है, ठीक है, न्यूटर और इनफंडिबुली फोरम, ठीक है। और अब बच गया नंबर पाँच,
तो नंबर पांच है इसमें, वो है कोटुला टाइप। कोटुला टाइप ठीक है, इसमें कैसा होता है, डिस्क और रे। तो इसमें देखिए डिस्क फ्लोरेट तो रेगुलर कोरोला बाइसेक्सुअल होता है, रेगुलर एंड बाइसेक्सुअल दोनों फ्लावर इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये पिस्टिलेट होता है ठीक है, पिस्टिलेट। और कैलिक्स इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से इसमें पांच प्रकार हैं ठीक है। ये सारे हो गए किसके, कैपिटुलम के प्रकार। कैपिटुलम के अंदर ही पढ़ रहे थे हम सारा कुछ अभी तक ठीक है। अब जानेंगे हम इनफ्लोरिसेंस के और प्रकार। तो इनफ्लोरिसेंस में देखिए कंपाउंड इनफ्लोरिसेंस भी इनके अंदर पाया जाता है। कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त पुष्पक्रम भी इनके अंदर होता है, जैसे सॉलिटरी हेड होता है, सॉलिटरी हेड ठीक है, ये पाया जाता है ट्राइडेक्स में ठीक है। यानी सॉलिटरी जो है एकल हेड, एक ही हेड होता है ऊपर की ओर, तो वो ट्राइडेक्स में पाया जाता है। इसी तरह से जो डाइकोटोमस साइमोज जो है वो पाया जाता है, साइमोज कैपिटुलम ये पाया जाता है सोंकस में ठीक है। यानी इसके अंदर क्या होता है कि इस तरह से पुष्पक्रम दंड जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है, और फिर ये इसके अंदर देखेंगे हम, ये हेड होता है ऊपर की ओर ठीक है, ये फ्लावर होते हैं, इसी तरह से ये हेड होता है इसके ऊपर फ्लावर होते हैं, ये इस प्रकार का इसके अंदर भाग होता है ठीक है। तीसरा जो आता है वो आता है पेनिकल टाइप। तीसरा है पेनिकल, गुच्छा जो होता है जिसे हम यौगिक सहसिमाक्ष कहते हैं, असिमाक्ष कहते हैं, वो पाया जाता है ल्यूनिया में ठीक है, ल्यूनिया में पाया जाता है ठीक है। कई बार क्या होता है कि मुंडक जो है वो कंपाउंड मुंडक भी बना लेते हैं, कैसे, कंपाउंड कैपिटुलम हेड भी बना लेते हैं ठीक है। कंपाउंड कैपिटुलम हेड में जो प्रत्येक मुंडक है उसमें कुछ फ्लावर होते हैं ठीक है। जैसे मान लो कि एक तो ये मुंडक है ठीक है, और इसके ऊपर ही क्या होते हैं, इस प्रकार से मुंडक बन जाते हैं, इस प्रकार का जो फ्लावर है या इनफ्लोरिसेंस है, तो ये अपने आप में तो एक मुंडक है ही, इसके ऊपर और मुंडक बन गए हैं इस प्रकार से। अब इनमें फ्लावर की संख्या अलग अलग प्लांट के अनुसार अलग अलग हो सकती है, जैसे फ्लेवेरिया में 20 होते हैं, कितने होते हैं 20 फ्लावर होते हैं। इसी तरह से काइनोपस में एक ही होता है, इसमें एक फ्लावर होता है, यानी कि एक मुंडक पर एक फ्लावर होता है, फ्लेवेरिया में इस एक मुंडक पर 20 फ्लावर होते हैं ठीक है। और एलिफेंथस में 3 से 4 पुष्प होते हैं ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये है। और अब हम देखिए, कल हम इसका पढ़ेंगे फ्लावर कंपोजिटी का, और वो है हेलियंथस एनस, यानी कि क्या, सूरज ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।